वेलकम टू एफबी फैशन अप। तो आज की वीडियो में हम मिडी रेडी करेंगे, फ्रंट ओपन नी लेंथ। ठीक है, तो उसके लिए चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि मेरी जो लंबाई है ना, मुझे 42 इंच रेडी रखनी है। 42 इंच तक जिसको रेडी रखना है, उसकी ड्रेस 2.25 मीटर फैब्रिक में हो जाएगी। और अगर उससे कम जिसकी लेंथ है 37-36, तो उसकी 2 मीटर में भी ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम नाप जान लेते हैं। और हाँ, ये जो कपड़ा मैंने लिया है, इसका नाम है जाम कॉटन, ग्लेस कॉटन। इसे जाम कॉटन भी बोलते हैं, ग्लेस कॉटन भी बोलते हैं। हर स्टेट में इसका नाम थोड़ा बहुत अलग अलग हो जाता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा चूज कर सकते हैं। तो नाप मैं आपको बता देती हूँ, लंबाई 42 इंच रेडी रखनी है, चेस्ट मेरी 34 इंच है, कमर मेरी है 32 इंच, हिप मेरा है 40 इंच, शोल्डर मेरे हैं 15.5 इंच। ठीक है, इन्हीं नापों के अकॉर्डिंग आज हम कॉलर वाली ये मिडी रेडी करेंगे। और एक बात और बता दूं, जो ये सब नाप है, ये बॉडी मेजरमेंट से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए कपड़े को मैंने उल्टा करके डबल फोल्ड में बिछा लिया है, जैसे कि एज यूजुअल मैं हमेशा बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो खुला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, इस कपड़े को मैं अच्छे से इक्वल करके बिछा लूंगी। देखिए, अब हम सबसे पहले अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए, लंबाई मेरी 42 इंच रेडी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहां से मैं आपको दिखाती हूँ, लंबाई है मेरी 42 इंच रेडी। ठीक है, 42 तो मेरी तैयार है, तो 0.25 इंच मेरा नीचे फोल्ड करने में जाएगा, 0.5 इंच मेरा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, तो 1.5 इंच कपड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। ठीक है, लेकिन 1.5 इंच ही सब में कंपलसरी है कि लेना है। ठीक है, अगर आप चौड़ा फोल्ड करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ और इस फैब्रिक को मैं यहां से आप कट कर लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ना आधा आधा इंच पे ना खुली तरफ, देखिए जो मेरा खुला हिस्सा है ना, 1/2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, नीचे तक पूरा 1/2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और इन निशानों को हम फिर मिला लेंगे। ये देखिए, ये सब निशान 1/2 इंच पे मैंने लगा लिए हैं, और ये फ्रंट का पार्ट है, इसलिए हम खुली तरफ से कट कर रहे हैं, और इन निशानों को अब मैं मिला लूंगी। अब हम ये 1/2 इंच छोड़ के अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, शोल्डर जो मेरा है ना, वो 15 इंच है, तो 7.5 इंच हुआ 15 का आधा, और ये कॉलर नेक है, तो हम इसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। 7.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। ठीक है, तो यहां से थोड़ा कपड़ा जो मेरा टेढ़ा है, वो मैंने पहले देख लिया था, वहां से भी मैं इसको निशान लगा दूंगी। अब हम यहां से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल ना, मैं 7.25 इंच के लगभग यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट का निशान एज यूजुअल जैसे लगाते हैं, और ये निशान हम ये 0.5 इंच छोड़ते हुए लगाएंगे। चौथा भाग करिए और +1 कर दीजिए। ठीक है, इसमें +1 की जगह हमें +1.5 इंच करना है। ठीक है, तो मैं 1.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, छाती को और 4 से डिवाइड कीजिए, जितनी आपकी है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिए जो आता है। ठीक है, अब ऊपर से सेम एक निशान 14.5 इंच और दूसरा निशान 21.5 इंच। ठीक है, एक बार इन निशानों को मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब कमर का जो निशान है, हम अपनी कमर का कैसे निशान लगाएंगे, तो मेरी 32 है, 32 को मैंने 4 से बात किया तो 8 आया, तो इसको ना हम थोड़ा सा लूज लेंगे, इसमें बेल्ट भी लगेगी, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 8 आया है, तो 9.5 इंच पे हम अपना एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब किप मेरे 10 इंच है चौथा भाग करने पे, तो उसमें भी हम 1 से 1.5 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 है, तो मतलब 11.5 के लगभग मैं यहाँ निशान लगा लूंगी। अगर आप इसको बिल्कुल फिट पहनना चाहते हैं, तो जितना आपका हिप है, आप उतने पे ही निशान लगा सकते हैं। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे, और अपर चेस्ट में इसलिए नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा अपर चेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहां से हमने लिया जितना, ये देखिए, यहां से मान लीजिए हमने 11.5, तो यहां से हम बस 12 इंच के लगभग लेंगे। ये देखिए, और इस निशान को हम यहां से मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये कॉलर नेक है, अपने गले का हम निशान लगाएंगे 3 इंच चौड़ाई, और 1 इंच का हम शोल्डर ड्रॉप करेंगे, और इसको तिरछी में मिला देंगे। आर्म होल की कटिंग बहुत बार बता चुकी हूँ, 1 इंच अंदर जाना है, जितना शोल्डर था उसका डिवाइड करना है, और 0.5 इंच फिर अंदर आना है। ये देखिए, और इन निशानों को तिरछा करके मिला लेना है। सबसे पहले बैक आर्म होल की गोलाई देनी है, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं, तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दोगे तो भी चलेगा।
ठीक है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं, अब इन निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इन निशानों पे से नहीं, मार्जिन का तो हमने लिया ही नहीं, तो ये देखिए डेढ़ डेढ़ इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और अब इन्हीं निशानों पे से मैं अपनी कटिंग कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की मेरी कटिंग हो गई है। अब जो बंद हिस्सा ना दूसरे कपड़े का, वो मैंने अपनी तरफ किया है, और जो आधा इंच कपड़ा था ना एक्स्ट्रा जो मैंने लिया था, ये देखिए इसको मैंने बाहर की साइड करते हुए रख लिया है, क्योंकि ये हमारा, आप इसको फोल्ड करके भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसको आधा इंच कपड़े को बाहर निकाल के हम बैक का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, अभी ना मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहले मैं बैक पार्ट का निकाल लेती हूँ तभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हम एक इंच हमने ड्रॉप किया, तो एक इंच हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए बैक में, ठीक है। और एक इंच ऊपर जाते हुए हम ऐसे करते हुए अपने बैक भाग का निशान लगा लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इन्हीं निशानों पे से बस हमने बैक भाग की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग मैंने कर ली है, दोनों पार्ट हमारे कट गए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फिटिंग वाले एरिया में हमें नॉचेस लगा लेने हैं। देखिए, और अब हम अपना आर्म होल का भी, शोल्डर ड्रॉप का भी कटिंग कर देंगे। और जो हाफ इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था, वहां पे भी हमने कट लगा लेने हैं, ये देखिए नीचे में भी ऊपर में भी दोनों साइड, ठीक है। ये देखिए कटिंग हमारी लगभग हो गई है। अब देखिए, जो हमने 7.5 इंच हमारा शोल्डर लिया था ना आर्म होल, इसको हम आधा करेंगे। तो देखिए 3.25 इंच हमारा जैसे कि आधा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ना हम ऐसे करके ऐसे और ऐसे करते हुए निशान लगाएंगे, और ये निशान को हम दूसरी तरफ भी पक्का कर लेंगे। ये हमने फ्रंट भाग में लगाया है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देती हूँ, और जो बैक भाग है वहां पे भी हम आर्म होल का आधा करेंगे, और जो 3.5 इंच हमारा आया है, ये देखिए इस पे हम सीधा निशान लगाएंगे, ठीक है। और आधा इंच के गैप पे एक सीधा निशान हम और लगाएंगे, इसको भी दूसरी तरफ करके हम पक्का कर लेंगे। तो चलिए, कटिंग हमारी हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका नेक भी साथ साथ मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि ये तो कटेगा ही, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट भाग का नेक कट करेंगे। फ्रंट भाग का नेक कट करने के लिए देखिए, जैसे कि हमेशा कॉलर नेक में 3 इंच और लंबाई भी मैं नेक की 3 इंच रख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस निशान को ना फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहां से ना, यहां से हम थोड़ा नीचे ले लेंगे, नहीं तो ये हमारे बिल्कुल गले पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम गोलाई दे देंगे, बहुत डीप गोलाई नहीं देंगे, खड़ी खड़ी सी गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक कट हो जाएगा, ये देखिए। बैक नेक में हम सिर्फ 1 इंच का गला कट करते हैं कॉलर के लिए। तो ये देखिए, इसकी चौड़ाई तो हम सेम रखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और चौड़ाई का निशान लगा देंगे, और लंबाई सिर्फ हम 1 इंच रखेंगे जो डेप्थ है, ये देखिए। और इसको हम ऐसे करके मिला देंगे और गोलाई दे देंगे, ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक नेक कट हो गया है। अब हम ना दो पट्टियां लेंगे, ठीक है, दो लंबी पट्टी हमने लेनी है। तो हम लोग 3 इंच कम कर देंगे 42 में से 3 गया तो 39 इंच बचता है। तो 39 इंच में आधा इंच नीचे हो, तो 39 इंच की हम पट्टी लंबाई में लेंगे दो, ये देखिए 39। एक पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे, और इन निशानों को सीधा करके एक पट्टी हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं कट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पट्टी मेरी 2 इंच चौड़ी 39 इंच लंबी कट हो गई है। अब दूसरी पट्टी की लंबाई तो हमने 39 इंच रखनी है, लेकिन उसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे, ये देखिए, ठीक है। 3.5 पे मैं सब जगह निशान लगा लूंगी, और इन निशानों को मिला के इस पट्टी को भी मैं कट कर लूंगी। तो चलिए, ये पट्टी भी मैं आपको कट कर लेती के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी मेरी कट हो गई है, और इसी पे लगाने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी और 39 इंच लंबी बुकरम की पट्टी ली है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं मशीन पर।
मेरा फ्रंट भाग है और सीधी तरफ का हिस्सा है, तो ये है मेरा लेफ्ट हिस्सा और ये है मेरा राइट हिस्सा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हिस्से को लेंगे और राइट हिस्से को हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ से मैंने इसको रखा हुआ है। लेफ्ट हिस्से पे जो हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी निकाली थी उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको सीधा सिलाई करते हुए पट्टी को इस पे जोड़ लेंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है ऐसे ना। और ये जो ये बचा है ना ये मेरा फोल्डिंग में चला जाएगा, इसलिए मैंने इस पे इतना पट्टी नहीं लिया है। ये देखिए, तो आप चाहो तो पूरी पट्टी ले सकते थे। और अब मैं जैसे कि हम लगाते हैं टॉप स्टिच पट्टी की तरफ, वो स्टिच लगा लूंगी। देखिए फ्रेंड, टॉप स्टिच मैंने लगा लिया है। अब हम इसको पूरी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऐसे करते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इसमें हमने पूरे में स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग मैंने लगा ली पूरे में और ये देखिए ये हमारी एक पट्टी लग गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल के साइड कर दूंगी। ठीक है, अब हम अपना राइट हिस्सा राइट हिस्सा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, और राइट हिस्से पे जो हमने बड़ी पट्टी ली थी ना हमको उसको लगाना है। लेकिन उससे पहले हमें पट्टी तैयार करनी है। अगर आपके पास पेस्टिंग वाली बुकरम है तो आप उसको पट्टी पे रख के पेस्टिंग से फोल्ड कर ले, बट मेरे पास पेस्टिंग बुकरम खत्म हो गई है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगी ना, अपनी स्टिचिंग की चाल को मोटा करूंगी और ऐसे रखते हुए ये देखिए चाल को मैंने मोटा कर लिया है और एक सिलाई लगा लूंगी। बाद में मैं इसको खोल दूंगी। ये देखिए आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए पूरी में आपने सिलाई लगा लेनी है। चलिए मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखेंगे। ठीक है, फोल्ड करके देखेंगे और जो ये किनारा किनारा है ना एकदम पूरा ये निकाल लेना है जितना भी एक्स्ट्रा है। और जो किनारा किनारा है ना यहाँ पे हम हल्के हल्के निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करते हुए पूरे में आप निशान लगा लो ताकि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हमें स्टिचिंग लगानी है। अब हम अपना राइट हिस्सा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, राइट हिस्से का जो सीधा भाग है ना वो हमने ऊपर की साइड रखना है और उल्टा भाग हमारा नीचे की साइड है। तो ये देखिए ये मेरा उल्टा भाग है और ये मेरी पट्टी है। ठीक है, तो ये पट्टी का जो ये सिरा है ना हम सीधे सीधे भाग अंदर करेंगे। और जो मैंने आपको दिखाया था ना जो आधा आधा इंच हमने सिलाई निशान लगाए हैं, ये देखिए पट्टी फोल्डिंग के, ये देखिए यहाँ पे रखते हुए हम ये सीधी तरफ है, सॉरी ये उल्टी तरफ है और ये नीचे मेरा सीधा हिस्सा है। ये उल्टी तरफ हमने पट्टी रखी है और इस पे हम निशान लगा लेंगे पूरी पे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी पे हम ऐसे करते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको पलटूंगी। ठीक है, ये देखिए इसको पलटेंगे सीधी तरफ और यहाँ पे हम जो सिलाई लगाएंगे ना अभी वो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं ना व्हाइट कलर से सिलाई लगाऊंगी। ये मोटा धागा जो आता है आप ये ले लीजिए, आप एज इट इज रेड कलर का भी लगा सकते हो, एंकर थ्रेड भी लगा सकते हो, वो मैंने नीचे फरकी में भर लिया है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे की साइड डालूंगी। ठीक है, और उससे पहले जो वी शेप शेप की जो हमने स्टिचिंग लगानी थी वो भी हम लगाएंगे। तो चलिए मैं एक बार डब्बी फिरकी में धागा भर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा उल्टा भाग है कपड़े का ना, उल्टी साइड है, और जो मैंने वो निशान लगाया था ना वो निशान मैंने ले लिया है। ठीक है, और हम देखिए नीचे में मेरा सफेद धागा है जो मैंने फिरकी में भरा है और ऊपर में मेरा नॉर्मल धागा है। और चाल को मैंने ना 3 पे कर लिया, मतलब कि थोड़ा मोटा कर लिया। ये देखिए हम ना ऐसे करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक सिलाई मैंने लगाई, मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे करके ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक सिलाई हाफ हाफ इंच के गैप पे और लगाएंगे। ये देखिए, ठीक है, एक पैर का दावा बस। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सिलाई लग गई है, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये टोटल ऑप्शनल है। ठीक है, आपका मन करे तो आप लगाएं, ना करे तो आप ना लगाएं। अब हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, और सेम ऐसे ही उल्टी तरफ से हमने ये सिलाई भी एक बार लगा लेनी है। ठीक है, इस पट्टी को चाहो तो आप पिनों से सेट कर लो क्योंकि हम ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए, और निशान क्या बनेगा, जो हमारा ये है ना ये सिलाई का हिस्सा, ये निशान हमारा बन जाएगा। यहां से आप पट्टी को ऐसे करते हुए सिलाई कर लो। ये देखिए,
ऐसे करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पहले मैं पूरा डिजाइन ही बना लेती हूँ। ठीक है, पट्टी लगाने के बाद जो सेम दूसरी साइड है उस पर भी हमने ऐसे ही निशान लगा के जो लगाए थे उनपे, और बैक साइड पे भी जो निशान लगाया था उस पर भी ऐसे ही मशीन चला लेनी है। तो मैं एक बार आपको इसको रेडी करके दिखा देती हूँ, फिर उन सबको रेडी करके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, अब हम अपने शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, शोल्डर हमें नॉर्मल ज्वाइंट करने हैं जैसे करते हैं, उसके बाद इसका गला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं शोल्डर ज्वाइंट कर लेती हूँ सिलाई लगा के। चलिए, शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिया है ना, तो अब हम अपना ना ये करेंगे, ये देखिए जो है अपना नेक मेजर करेंगे, डबल ऐसे करेंगे नेक को, और उसको डबल करने के लिए देखिए शोल्डर से शोल्डर मिलाइए, बड़मा पट्टी हमारी बाहर की तरफ निकलेगी, और इसका राउंड नापेंगे कितना आ रहा है टोटल। ये देखिए, यहां से मैं नापना शुरू करूंगी ऐसे करके ऐसे, और जितना आपका आ रहा है, ये देखिए मेरा 10 से आ रहा है, 10 इंच के लगभग, 10.1। तो ये देखिए राउंड नेक के लिए मैंने बंद एक वो लिया है, बुकरम का पीस ना, देख सकते हो जो हमारा गले की जो मैंने नापा था मेजरमेंट वो 10 इंच था, तो 10 इंच तो लंबा है डबल में ही, और 5 इंच इसकी चौड़ाई है, 4.5 से 5 इंच आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बंद हिस्सा है, तो यहां से हम ना देखिए जो आपका टोटल है ना गला जब हम राउंड बनाएंगे उसमें 2 इंच हमने कम करके लेना है, मेरा 10 था तो मैं 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और यहां से हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और अब हम यहां से 2 इंच डाउन जाएंगे, और देखिए फ्रेंड्स 6 इंच से मतलब 3-3 इंच हो गए, यहां से हम सीधा जाते हुए ऐसे करते हुए और अपने गले की राउंड दे देंगे। अब हम इसको नापेंगे कि हमारा 10 इंच हो रहा है कि नहीं, ये देखिए, और कहां पे हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स इसको मैं नाप रही हूं ऐसे करके ही, आपने गोलाई साइड से नाप लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मेरा 10 इंच आ रहा है, ये देखिए यहां पे मेरा 10 इंच आ रहा है। अब हम यहां से 1 इंच अंदर आएंगे, ये देखिए, और 1-1 इंच के डिस्टेंस पे कोना से 1 इंच ही रखना है, इससे ज्यादा हमने नहीं रखना है, चारों तरफ हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और अब इन निशानों को हम हाथ से धीरे धीरे मिला लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, और चाहो तो हम जैसे गोलाई देते ना ऐसे करके यहाँ पे अपनी गोलाई दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं बुकरम कट करके आपको दिखाती हूँ, और ऐसे ना बहुत इजीली आपका राउंड नेक कट जाएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी राउंड नेक कट गई। अब हमें एक कपड़ा लेना है, ये देखिए, और उस पर इसको आप रखेंगे। ठीक है, और हम इसको कपड़े को एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे, और ऐसे करते हुए ना यहां से, ये देखिए, यहां से ऐसे करते हुए पूरे को थोड़ा 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 दबाते हुए, या तो आप पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग है तो चिपका लो, अगर बुकरम नॉर्मल है तो हम यहाँ पे मोटी इसके चारों तरफ मोटी सिलाई लगा लेंगे। मैं इतना करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। करके मैंने सिल लिया, ये हमारा इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम एक कपड़ा और लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक कपड़ा और ले लिया है, और मैं इसको इस पे रखूंगी कपड़े पे। ठीक है, ऐसे, और यहां से ना, यहां से हम एकदम, ये देखिए, पहले इसको काट लेंगे हम, लेकिन काटेंगे कैसे आपको ये भी बता देती हूँ। ये देखिए, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पे हम आधा आधा इंच छोड़ते हुए इसको कपड़े को कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे करते हुए ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए, देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने कट कर लिया। अब हम सिलाई लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई हम कैसे लगाएंगे। ये देखिए, ये जो कोना है ना, यहां से मैं सिलाई लगाऊंगी, और आपको बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी चढ़ानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए, और ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करते हुए हम ध्यान रखना है कि आपने ऊपर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है बस। ठीक है, उसका ध्यान जरूर रखें ऐसे, और ये देखिए एकदम इजीली आप इसको लगा सकते हो एकदम, और आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पिन से एडजस्ट कर लो ऊपर की तरफ इसको। ऐसे कॉलर कट करने में और लगाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, अब हम यहाँ पे फिर आ गए कॉर्नर पे, तो जो हमारा कॉर्नर बनाया था हमने वहां से हम इसको फिर से
ऐसे करते हुए यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। ये मेरी कटिंग हो गई और स्टिचिंग हो गई, सॉरी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये अंदर का कपड़ा है ना, देखिए यहां से कितना छोड़ रही हूं मैं, बस इतना इतना आपने छोड़ते हुए कट कर लेना है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, और जो ये एक्स्ट्रा है ना, इसको भी हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे नोचेज लगा लो आप सिलाई बचाते हुए। ये देखिए चारों तरफ छोटे छोटे नोचेज लगा लो। अब इसको पलट लेंगे। देखिए, अगर आपको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप प्रेस लगा लीजिए पलटने के बाद, और बहुत अच्छे से ये जम जाएगा ऐसे करके। ये देखिए कुछ इस तरह से, पूरा ये कपड़ा हम इधर ले आएंगे, और ये सिलाई ना बाद में हमें खोलनी है, ये याद रखिएगा आप। बस पेस्टिंग से एक ही फायदा होता है कि हमें सिलाई खोलनी नहीं पड़ती, वो प्रेस से ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बन गई। अब इसको हम ना यहाँ से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसको भी कर लेंगे, और ये देखिए थोड़ा सा खींचेंगे ना तो ये पूरा ही कपड़ा हमारा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इसको लगाना कैसे है, एकदम सीधे सीधे मैं इसको लगाना भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमने अपना नेक लिया, देखिए ये हमारा नेक का उल्टा हिस्सा है। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, और यहां से देखिए यहां से हम इसमें अपनी स्टिचिंग करेंगे। और आपको याद रखना है कि ये वाला कपड़ा ना दबे, जो हमने हाफ हाफ इंच लिया था ना, बस वहीं से आप स्टिचिंग करें। ये देखिए कपड़े को ऐसे लेते रहिए, इसको बेशक आप साइड कर दीजिए कुछ देर के लिए। ये देखिए, और बस पूरे में ना कपड़े को खींचिए और ना ही जो हमने ये बनाई है ना बैंड बनाई है इसको खींचिए। ठीक है, और ऐसे करते हुए पूरे में हम अपनी कॉलर लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई इसमें, और एकदम बराबर हमारा कॉलर आया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है उसका भी बता देती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पलटेंगे। ठीक है, और सीधी तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई हमारी कैसे आनी चाहिए, एकदम ये जो सिलाई है ना इस पे एकदम कोने कोने पे। ये देखिए एकदम कोने कोने पे हमने ऐसे करते हुए पूरे में स्टिचिंग कर लेनी है राउंड कॉलर की। ठीक है, तो मैं ये स्टिचिंग लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे रखते रहेंगे हम। ठीक है, ऐसे, और यहां से मैंने सिलाई शुरू की, और ये जो हमारी सिलाई है ना ये छुपनी चाहिए, ये नहीं दिखनी चाहिए बस बाहर। ये देखिए, ये जो हमारी कैन वो है ना बुकरमपुरी, इस पे आनी चाहिए, जो जोड़ की सिलाई है ना हमारी, ये कहीं से दिखे ना बस। ये देखिए, ये देखिए, बस पूरे में आप ऐसे सिलाई लगा लो, और उसके बाद ना जो ये धागे वाली सिलाई है ना पूरी कॉलर पे हमने ये भी लगा लेनी है व्हाइट वाली। मैं व्हाइट वाली सिलाई लगा लेती हूँ और ये भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई मैंने लगा ली है, कॉलर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अपने आर्मोल रेडी करने हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, उरे पट्टी से आप अपने आर्मोल रेडी कर ले। आर्मोल रेडी करने के बाद अब हम, ये देखिए, अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमने जो फिटिंग के निशान लगाए हैं ना, उन्हीं निशानों पे से हमने फिटिंग को लगा लेना है। एक साइड की फिटिंग मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूं, और कट से कट जरूर मिलने चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारे कट है ना उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिटिंग एकदम ठीक लगी है। ठीक है, तो ये देखिए फिटिंग लगाती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। देखिए पूरे को ऐसे पकड़िए नीचे तक, देखिए फ्रेंड्स हिप के कट भी हमारे कट से कट मिल गए हैं। ये देखिए, ऐसे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना वहां से हम लगाते हुए अपना सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, एक तरफ की फिटिंग मेरी लग गई, सेम ऐसे ही मैं दूसरी तरफ की भी लगा लूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, फिटिंग मैंने लगा ली है, ये मेरा ऊपर का पोर्शन है। अब हम नीचे की तरफ आएंगे और हम अपना नीचे वाला हिस्सा ना जो फोल्ड करना है उसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने कपड़े को ऐसे डबल किया और जितना चौड़ा हमने रखा था फोल्ड करने के लिए उतना ही हम ये देखिए यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। बहुत चौड़ा आप फोल्ड ना करें, आप हेम भी कर सकते हैं चाहे तो, बट यहाँ पे मैं फोल्ड ही कर रही हूँ, फोल्ड में ही लुक ज्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, और फोल्ड करते हुए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ये फिटिंग का कपड़ा आता है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लें तिकोना, और फिर फोल्ड करें, जिससे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और कपड़ा बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता है। ये देखिए इस तरह से, और हम पूरे को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे का भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लूप्स लगाएंगे बेल्ट डालने वाले, ठीक है। तो देखिए उसके लिए ना मैंने नाड़े जैसी दो पट्टियां बना ली हैं। इनकी लंबाई कितना रखना है मैं आपको ये बता देती हूँ। जितनी चौड़ी आप बेल्ट डालना चाहते हो ना, उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई रखो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बेल्ट तैयार की है, बेल्ट की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। ये सिंपली बेल्ट है, आपने 3 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेना है, उसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और फिर उसको पलट लेना है। जैसे मैंने जो रेड ड्रेस में पट्टी बनानी बताई है ना, सेम वैसे ही कर लेना है। और बेल्ट आपकी कमर के अकॉर्डिंग आपको लेनी है और उससे 6-7 इंच लंबी ही आपको बेल्ट लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये मेरी बेल्ट 1.5 इंच चौड़ी है, ये देखिए 1.5 से भी कम है, 1.5 मान के चलो, तो उतना चौड़ा हमें ये चाहिए। और आधा आधा इंच हमारा दबने में जाएगा, तो 2-2.5 इंच, देखिए 2.5-2.5 इंच के हमने, 2.5 से थोड़ा ज्यादा ही आप ले लो, ये देखिए मैंने 2.5 से थोड़ा ज्यादा ही ले लिया है। 2 लूप लेने हैं बना के रेडी करने हैं, ये देखिए ये 2 लूप मैंने ले लिए। अब इनको लगाना कहाँ पे है मैं आपको ये बताती हूँ और कैसे लगाना है। देखिए जो हमारी बैक है ना, बैक सीधी तरफ से हम देखेंगे, ठीक है, यहां से 7 इंच नाप लो आप आर्म होल से ना, ये देखिए आर्म होल से 7 इंच, ठीक है। तो ये देखिए यहां से जो एकदम बैक का पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे एक पहला हिस्सा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा हम इससे 1.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। देखिए 1.5 से 1.25 इंच है ना, क्योंकि हमारी बेल्ट सिर्फ 1.5 इंच की है, तो ज्यादा बड़ा लूप तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 1.25 इंच। अब इसको हम लगाएंगे कैसे, ये देखिए लूप को हम ऐसे करेंगे, ऐसे करते हुए यहाँ रखेंगे और ऐसे करेंगे। देखिए एक लूप मैं आपको लगा के ही दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी मशीन को रेडी रखें, ठीक है। ये देखिए इसको मशीन के अंदर मैंने लिया और ये देखिए इसको ऐसे करके आप रख लें, ठीक है। 1/2 इंच के लगभग हमने फोल्ड किया है अंदर लूप को, और जो फिटिंग की सिलाई है ना, देख रहे हो आप, उसके ऊपर मैंने इसको रखा है। ये देखिए 2-3 बार ऐसे चला लें एकदम फिनिशिंग से, बस ठीक है। एक साइड का लूप मेरा लग गया, देखो अब नीचे की साइड भी मैं ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम नीचे भी इसको जो जितना आपको लग रहा है ना कि ज्यादा एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया ही था, उसको मैं कट कर लूंगी। और ये देखिए इसको यहाँ फोल्ड करेंगे हम फिर से, आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने फिर से फोल्ड किया और इसको हम ऐसे करके फिर से एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। एक लूप मेरा लग गया ऐसे ही, सेम अब दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही लगा लूंगी, ठीक है। तो चलिए दूसरा लूप मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे हम काज बनाएंगे, जो ये वाली पट्टी है ना हमारी, इस पे हम काज बनाएंगे और इस वाली पट्टी पे हम अपने बटन लगाएंगे। तो ये देखिए ये बटन मैंने लिए हैं, तो सबसे पहले हम बटन का काज का निशान कैसे लगाएंगे, ये देखिए एक बटन, एक काज हमारा यहाँ बनेगा, तो ये तो लंबा काज बनेगा। तो ये देखिए जितना लंबा हमारा बटन है ना, ऐसे करके पहला बटन हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा बटन हम, जैसे कि आप नाप लें कि आपको कितने बटन लगाने हैं टोटल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से ना, ये देखिए नीचे से 9 इंच के लगभग मैं इसको खुला छोड़ूंगी, 9 इंच के लगभग, और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखो ये है 28 इंच, तो 28 इंच में हमें बटन लगाने हैं, तो हम 2.5-2.5 इंच की दूरी पे मान लो बटन लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए
तीन तीन इंच लगा लो, ये देखिए तीन एक दो नौ, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छह अठारह, तीन सत्ते इक्कीस, तीन अठे चौबीस। ठीक है, ये देखिए तो ये हम बटन लगाएंगे। तो बटन बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि काज आप बनाओगे ना जब, तो ये देखिए ऐसे बनाइए एक दूसरे पे रख के, नाप नाप के निशान लगाइए, बस इतने ही काज बने बटन के लंबाई का निशान लेके। और देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे बटन आएंगे, ये देखिए ये देखिए, सभी बटन मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। देखिए और जो मैंने बेल्ट बनाई है व्हाइट कलर के धागे वाली, वो भी मैं आपको दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो हमारी जो बेल्ट है ये भी बनके रेडी है, और ये जो हमारे लूप है ना, इन लूप में से हम बेल्ट को निकालेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और इधर वाले लूप से भी मैं कुछ इस तरह से इसको निकाल दूंगी। ये देखिए ये जब हम पहनेंगे ना, ये ऐसे सिकड़ेगी थोड़ी सी, और कुछ इस तरह का इसका पूरा ओवरऑल लुक आ जाएगा। आप देख सकते हो मैं पूरा ऊपर तक इसका लुक दिखा देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।